देश में एक बहुत बड़ा संकट। मैं कहता हूं मैं बाद में सन्यासी हूं, पहले भारत का नागरिक हूं, लेकिन कुछ लोग अपने आप को संविधान से ऊपर मानते और कहते हमारे लिए अलग कानून होगा। तो इस देश में जब देश एक है तो इसमें दो कानून नहीं होने चाहिए, कॉमन सिविल कोड इस देश में होना चाहिए। और विधानसभाओं से होकर के लोकसभा तक ये बिल पास होना चाहिए। इसके लिए जोरदार एक बार घोष करो, बोले भारत माता की, जरा हाथ उठा करके बोले भारत माता की। ये काम होना चाहिए, कॉमन सिविल कोड नहीं होगा तो देश कैसे बचेगा। जब देश की दृष्टि में हम एक समान नागरिक हैं तो कानून दो क्यों होने चाहिए, और पूरी दुनिया में कहीं पर भी दो कानून नहीं होते। 70 सालों में हमने देखा, आजादी से पहले देश की 30 करोड़ आबादी थी, आज 130 करोड़ हो गई, 4 गुना बढ़ गए, और अब जिस स्पीड से बढ़ रहे हैं उसी तरह बढ़ते रहे तो 2040-50 तक 250 करोड़ की आबादी हो जाएगी। सड़कें बढ़े नहीं, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी बढ़ी नहीं, खेती बढ़ा नहीं सकते, देश का भार कैसे ढोएगी हमारी माता भूमि पुत्र धरती माता। इसलिए मैंने कहा हम दो, हमारे दो और सबके दो, दो बच्चों का कानून भी देश में होना चाहिए। सबको पैदा करें, सबको पैदा करें। कुछ कहते हैं हम तो दो पैदा करेंगे, दूसरे कहते हैं हम तो 10 पैदा करेंगे, ऐसे देश कैसे चलेगा। हमें सोचना है कि आने वाले 50-60-70-100 साल में हमारे देश की स्थिति क्या होगी। तो मैं तो एक संतों के चरणों में निवेदन कर रहा हूं कि भाई देखो हमको साधु संत महात्मा है, हमारा तो हमने तो सारा संसार अपना मान लिया है, तो जो बच्चे बिल्कुल ही पैदा ना करे उसको तो सरकार को सम्मानित करना चाहिए, और जो 2 से ज्यादा बच्चा पैदा करे उसका वोटिंग राइट छीन लेना चाहिए, उसको राजनीति में चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं होनी चाहिए और उसको सरकारी सुविधाओं से वंचित कर देना चाहिए। तो जब ताली बजा रहे हो तो जोर से बजा लो, बोले भारत माता की।